बयारो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। इबेरा की जा लाइव खबर है ऑटोटोरियम से, किशोर सागर के नीचे ऑटोटोरियम से। आज स्वाधीनता को अमृत महोत्सव मनाओ जा रहा है ऑटोटोरियम में, व्याख्यान माला को आयोजन करो गो है। सुजा लाइव प्रस्तुति देखो आप बुंदेली चुगली चैनल के माध्यम से ऑटोटोरियम से, स्वाधीनता को अमृत महोत्सव व्याख्यान माला। मैं सम्मानीय अतिथियों से आग्रह करूंगा कि यहाँ पर ग्रहण करें। इसी क्रम में अब मैं अतिथि परिचय के लिए बुला रहा हूँ इस स्वाधीनता अमृत महोत्सव समिति के संयोजक वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव एडवोकेट को, जो आए अतिथियों का परिचय कराने के लिए। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस व्याख्यान कार्यक्रम में, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर हमारे बीच हैं श्री रामलखन सिंह जी यादव। आप मूलतः महाराजपुर तहसील के ग्राम गिलोहा के निवासी हैं। आपके पितामह यानी बब्बा स्वर्गीय श्री सरजू यादव जी ने सिंहपुर चरण पादुका, जिसे हम जलियांवाला स्थान भी बोलते हैं, उस समय उर्मिल नदी के किनारे एक आम सभा की थी और इस सभा में 80,000 व्यक्ति एकत्रित थे और इस सभा का आयोजन आप ही ने किया था और आप इस सभा के सभापति भी थे। हमारे बीच मंच पर आसीन हैं, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री डीके मिश्रा जी। आप भारतीय सेना से कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका शिक्षण अधिकतर सागर ही रहा है। आपने स्नातक सागर मध्य प्रदेश से किया है। आप सेना में वर्ष 1967 से कार्यरत हैं। सेना में रहते हुए आपने अरुणाचल, काश्मीर, लेह, लद्दाख जैसे स्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं और वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध में आपने सेना में विशेष योगदान दिया और वर्ष 1993 में आप भारतीय सेना से कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए। इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान जे नंद कुमार जी। आप संघ के प्रचारक हैं। आपका जन्म केरल के पंडालम स्थान में हुआ। आप पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख के दायित्व का निर्वहन भी कर चुके हैं। आप एक कुशल लेखक, कवि, प्रखर वक्ता के साथ ही बहुआयामी व्यक्तित्व के भी धनी हैं। श्रीमान जी, आप वर्तमान में संघ से संबद्ध संगठन प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो ये तो था अतिथि परिचय। धन्यवाद। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री हरेन सिंह चंदेल को। अतिथियों के इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला जी को कि वो आए।
और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री जैनेन्द्र कुमार जी का स्वागत करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं धीरेंद्र रावत जी को। डॉक्टर धीरेंद्र रावत कृपया शीघ्रता करें, वो आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामलखन यादव जी का स्वागत करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अश्विनी दुबे को। वो आए तो कर्नल डीके मिश्रा का स्वागत करने के अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सौरभ तिवारी और अरुण मुखर्जी जी को। कृपया शीघ्रता करें। श्री जैनेन्द्र कुमार जी का स्वागत करने की कृपा करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आनंद भार्गवे और भूपेंद्र नायक जी को। श्री रामस्वरूप यादव जी का साल श्री फल भारत माता के स्वागत करने की कृपा करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री माधवन जी को। डीके मिश्रा जी का स्वागत करने के बाद स्वागत की इस परंपरा के बाद अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावना के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तावना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम की प्रस्तावना को लेकर आ रहे हैं श्री नारायण महेश्वर काली जी। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पीठ पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय यादव जी, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय जे नंद कुमार जी यहाँ उपस्थित, सभी स्वजन बंधुओं एवं भगनियों,
आज हम आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमें आजाद हुए जब 75 वर्ष हुए उस संबंध में कर रहे हैं, और जब हम इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं तो हमें अपने इतिहास का भी चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। हमें आजादी कैसे मिली, किस संघर्ष के साथ मिली, किन किन ने आहुति दी, और इतिहास में उनका वर्णन है कि नहीं है, इन सब पर हमें अवलोकन करना आवश्यक हो जाता है। बंधुओं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। जब देश में अंग्रेजों का राज्य प्रारंभ हुआ, उसके विश्लेषण में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन तब 1857 में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वातंत्र आंदोलन हुआ। लेकिन इतिहास के लेखनकर्ता ने उस प्रथम स्वतंत्र आंदोलन को गदर कहा, विद्रोह का। वो अंग्रेजों के खिलाफ गदर नहीं था, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, वो इस देश को अंग्रेजों की सत्ता से स्वतंत्र कराने का पहला आंदोलन था। और उसमें कितनी आहुति हुई, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे नाना साहब पेशवा हो, चाहे तात्या टोपे हो या मंगल पांडे हो, हजारों असंख्य लोगों ने अपनी आहुति दी, लेकिन इतिहास में उसका वर्णन नहीं है। हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि प्रथम स्वातंत्र संग्राम कब हुआ और किन्ने किन्ने अपनी आहुति दी, कौन कौन ने लड़ा। इतिहास में इसका ज्यादा उल्लेख, मैं भी विद्यार्थी था, मैंने इतना पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह में भाग लिया था, नाना साहब पेशवा ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भाग लिया था, ये उसका विशिष्ट वर्णन इतिहास में कहीं नहीं लिखा। 1957 के बाद स्वातंत्र संग्राम चलता रहा, और आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा पक्ष भी है जिसने राष्ट्र के लिए सब अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, उसका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता। हमको सिखाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया हमें अपना इतिहास, हमें स्व का भाव कराया नहीं गया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, आज भी इतिहास के पन्नों में, उस समय जो उनके खिलाफ चालान पेश किया गया है, उनको आतंकवादी दर्शाया गया, आतंकवादी। हमने उसमें सुधार नहीं किया, हमने सुधार करने का प्रयास भी नहीं किया। जलियांवाला बाग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, किसी को नाम नहीं मालूम कौन कौन शहीद हुए थे, इसका उल्लेख कहीं नहीं है। आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए उन आजाद फौज का गठन किया था, उस आजाद फौज ने, हिंद फौज ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, और हमारे 27,000 सैनिक मारे गए थे, उनका कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं है, कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं है। इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इसका कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं है। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला झंडा अंडमान निकोबार में फैलाया था, इसका कहीं उल्लेख नहीं है।
वीर सावरकर जिसने सबसे ज्यादा काला पानी की सजा भोगी, बड़े कष्ट में भोगी, बड़ी पीड़ा उनको दी गई, 2 आजन्म कारावास की सजा दी गई थी। काला पानी जहां चारों तरफ समुद्र था, धरती नहीं थी, अकेला वही टापू में 16 किलो लीटर जिसको कहते उसमें शेर कहलाता था, 16 शेर कोल्हू से तेल पेरना पड़ता था, नहीं पेरने पर पीठ में कोड़े लगते थे जिससे खून रिसता था, हाथों में छाले पड़ गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे, लेकिन कोई ओह तक नहीं की और निरंतर वो सजा भोगते रहे। वहां उनने लिखा प्रथम स्वातंत्र संग्राम आंदोलन का उल्लेख, उनने 1857 का वहां किया, उनके बारे में कोई इतिहास में ज्यादा नहीं बताया जाता। उनके खिलाफ तो केस चला दिया हमारी सरकार ने, कितने ही घटनाएं जिनको हमने इतिहास में छुपा लिया, और ये किसने किया, षड्यंत्र पूर्वक ऐसे इतिहासकारों ने जो ब्रिटिश सरकार के चमचे थे, जो ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन में और उस समय वर्तमान में 1976 के बाद जो सरकार आई उसके मार्गदर्शन में काम करते थे, चाहे वो इरफान हबीब हो चाहे रोमिल्ला थापर हो, हमें उस इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा, आपके स्व का जागरण करना पड़ेगा, स्वाभिमान का जागरण करना पड़ेगा, और हमें अपने आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हमारा इतिहास कितना श्रेष्ठ है। बस एक छोटी सी घटना देकर मैं अपने इस प्रस्तावना के विषय को समाप्त करूंगा। अभी कुछ दिन की बात है, मेरे एक रिश्तेदार हांगकांग में 10-12 साल से नौकरी में थे, वहां संघ का काम भी करते थे, और विदेशों में जो संघ का काम करते हैं उनको हिंदू सेवक संघ के नाम से पुकारा जाता है। उनने तय किया कि अब हिंदुस्तान जाना, तो उनके मित्रों ने जो हांगकांग के थे उन्हें एक पार्टी दी, विदाई पार्टी। विदाई पार्टी में उन्हें एक प्रश्न किया अपने मित्रों से कि मैं इतने साल से हांगकांग में हूं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कोई मेरे प्रति या मेरे हिंदुस्तानियों के प्रति कहीं ना कहीं कोई द्वेष है, इसका कारण क्या है? उन्हें आग्रह किया अपने हांगकांग के मित्रों से बताइए, वो संकोच कर रहे थे, लेकिन संकोच तोड़ के उन्हें कहा, बहुत गंदे शब्द का उपयोग किया, मैं वहां शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, हिंदुस्तानियों के बारे में बहुत गंदे शब्द का उपयोग किया। उन्हें कहा कि भाई आप इस प्रकार के गंदे शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हो? उन्हें प्रति हांगकांग के उनके मित्रों ने प्रति प्रश्न किया उनसे कि बताइए कि हिंदुस्तान में कितने मुगल आए थे? उन्होंने कहा 20। बोले आप इतने पुरुषार्थी, 20 मुगलों ने आपके ऊपर 800 साल शासन किया, 800 साल। अंग्रेज कितने आए थे? उन्होंने कहा 10,000। बोले 10,000 ने तुमको मिलाकर तुम्हारे खिलाफ उनसे तुम्हारी हत्या करवाकर इतने 200 साल राज किया। फिर उसने एक प्रश्न किया कि ये बताइए एक जलियांवाला बाग को आप डायर को जिम्मेदार समझते हो, कहते हो, लेकिन डायर तो अकेला गया था, वहां तो हिंदुस्तान की फौज गई थी, जो लड़ते थे वो हिंदू ही थे या इस भारतीय थे, उन्हें तो गोली चलाई थी, उन्हें 2,000 लोगों को मारा था, क्या उनमें इतना पुरुषार्थ नहीं था कि वो डायर को गोली मार देते? तो मेरे वो रिश्तेदार विचलित हो गए कि बात तो सत्य थी, मुझे उन्हें बताई तो मेरे मन में एक बात आई कि ये बात सही है। 1925 तक राष्ट्रीय स्वयं संघ के आद्य सर संचालक केशव बलिराम हेडगेवार इस प्रकार का ही चिंतन करते थे। उन्होंने कहा यहां का जो सनातन धर्म है, यहां की जो मूल धारा है वो विभक्त है, इसीलिए हम परतंत्र हो जाते हैं। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, कई बार जेल गए, लेकिन उनके मन में ये विचार आता रहा, ये चिंतन आता रहा कि जब तक इस समाज को हम एकत्रित नहीं करते, इस संपूर्ण समाज को इकट्ठा नहीं करते, इसकी विकृति को इसकी समाप्त नहीं करते, तब तक हम इस आजादी को अक्षुण नहीं रख पाएंगे।
और वो धारा 1925 से चली, वो आज तक चली आ रही है। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आजादी को, अपने स्वाभिमान को कैसे सुरक्षित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन उसके पहले यहां अतिथिगण आए, आदरणीय नंद कुमार जी आए, आदरणीय मिश्रा जी आए, आदरणीय यादव जी आए, मैं आभार भी प्रकट करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी और संस्था के रूप से भी आभारी हूं कि उन्होंने इतना कीमती समय हमारे यहाँ दिया। आप सब लोग जितने सुधीजन हैं और भगिनी हैं, उन लोगों ने भी समय दिया, उन सब के लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना लेकर अभी हमारे बीच थे श्री नारायण महेश्वर काले, और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कर्नल डीके मिश्रा जी को। आदरणीय श्री नंद कुमार जी, वणक्कम। माननीय यादव साहब, उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, बहनें, बेटियां, बच्चियों, नारायण साहब ने जब मेरे से मिलने आए, मुझे बोला कि आपने इधर आकर आप आए तो अच्छा लगेगा, तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही थी कि भैया मुझे भाषण देने को मत बोलना बस, क्योंकि मैं बड़ा कमज़ोर हूँ। उन्होंने वादा किया था नहीं बाप को भाषण के लिए नहीं बोला जाएगा। वैसे भी मैं बता दूँ सर, हम फौज वालों का एक ही नियम है कि डोंट क्वेश्चन व्हेन एंड व्हाई, जस्ट गो डू और डाई। तो प्रश्न पूछना या भाषण देना हमारा न कर्तव्य न कर्म। वैसे भी मैं गोरखा रेजिमेंट से हूँ, अगर आप देखें गोरखा रेजिमेंट के अफसरों की, जवानों की चित्र, तो उसमें जो टोपी लगाते थे गोल, उसका चिन स्टेप यहाँ आता है, वो तो ऐसा फट्टा जो वो लगता है, तो यह ओठों के नीचे, मेरे ख्याल में उसका मतलब यही था कि अपना ओठ बंद करो, चुपचाप काम कर, तो वही मैं करता हूँ। पर इस सबके अलावा एक बृहद कार्यक्रम की रूपरेखा आपने तैयार की, उसको सुचारू रूप से आपने आयोजित भी किया, ये बहुत बड़ा कार्य किया। आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक ये एक तरह का लाइट हाउस का काम करेगा, एक रोशनी दिखाने का कि हमारा अतीत जो बहुत पहले का नहीं है वो क्या था, और हम क्या खो बैठे हैं या भूल बैठे हैं, ज़्यादातर है कि भूल बैठे हैं। मैं सभी आयोजकों को सच्चे मन से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी शिद्दत से इस कार्यक्रम को आयोजन किया। इस तरह के कार्यक्रम होते रहे ताकि कुछ ना कुछ चेतना तो जागती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे कर्नल डीके मिश्रा, अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दे रहे थे। माँ भारती के चरणों में एक गीत लेकर अब हमारे बीच में कुछ युवा आ रहे हैं, सचिन सिंह, शिवम सैनी, अनिरुद्ध चतुर्वेदी, पवन सैन और दिवाकर यादव।
से प्यार से
प्यार से गंगा यमुना अर्ध चढ़ा दी तेरे अमृत धार से तेरा स्वागत छह छह ऋतुएं करती कम से प्यार से प्यार से गंगा यमुना अर्ध चढ़ा दी अपनी अमृत धार से चल चर नर चर नभ चर तेरे पाहुन पोषित प्रेम के जल चेतन सब तृप्त हुए हैं माँ तेरी अनुहार से कोटि कोटि आंतों से तेरा करते हम वंदन प्यारे देश हमारे तुझको बारंबार चंदन सा सुहृद तन तेरा सीधा सासान प्यारे देश हमारे तुझको बारंबार प्यारे देश हमारे तुझको बारंबार प्यारे देश हमारे तुझको बारंबार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस सुंदर रचना के बाद अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान जय नंद कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। उसके पहले कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं कि चाय नहीं सुरबाला की गहनों में गुंथा जाऊँ, चाय नहीं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊँ, चाय नहीं पीढ़ी माला में बिन प्यारी चाय नहीं सम्राटों के संग हर ये हर डाला जाए, चाय नहीं देवों के सिर पर चरणों आगे पर टिकला हूँ, तो भैया रो बुंदेली चुगली की जा लाइव प्रस्तुति अब हमें तक समाप्त कर रहे हैं। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक किलाने भैया रो सभी जन के हमारी राम राम।